हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब एकदम बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मज़े में होंगे। इन दिनों बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर, मैं जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ, May 24 एग्ज़ाम है मेरा, और क्लासेस तो अभी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है मेरी, बट सर क्लासेस के साथ साथ जो है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आओ हम लोग आज ज़रा बात करते हैं कि टाइम किस तरीके से मैनेज करें, और हम लोग अभी जो ग्रुप वन की क्लासेस जो हमारी चल रही है, उसी के साथ साथ ग्रुप टू की क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी, खुद के लिए टाइम, ये सब हम लोग कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ताकि हम लोग May 24 बड़े ही आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से अपना जो एग्ज़ाम्स है, हम लोग वो क्लियर कर सके। तो चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं ना, कि आप अभी क्लासेस कर रहे हो, सुबह से लेके शाम तक आपका समय ये क्लासेस के अंदर जा रहा है, बराबर है। और मैं ये कहूँगा आप सबसे कि क्लासेस जो है ना, वो एकदम प्रॉपरली फुल फ्लेज अच्छे तरीके से उसको अटेंड कीजिए आप। मतलब ऐसा मत करिए कि क्लासेस में यार एकदम पूरा ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, और फिर उसके बाद जो है ना, घर जाके मैं पढ़ाई करूँगा, फिर वापस से शुरुआत से मुझे शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक अगर तू क्लास में बैठा है ना, तो भाई ध्यान रखना पूरा, जो भी कॉन्सेप्ट आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे, मेक श्योर तू उसको क्या कर ले, आराम से उसको ध्यान से सुन ले, समझ ले, और टीचर से उसी समय पे अपने क्वेरीज को तू सॉल्व कर ले, तो इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। नंबर टू क्या करना चाहिए, क्लासेस खत्म हो गई ना भाई, तू जब अपने घर पे जाता है, घर पहुँचने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर, बराबर। तेरा कोई भी फेवरेट मूवी, कोई सीरीज, कोई गाने, कोई भी तेरे को जो एक्टिविटी हॉबी पसंद है, स्पोर्ट्स, कोई जिम करना है तुझे, जो भी तुझे ठीक लगता है वो तू कर, 1 घंटा अपने आप के लिए डिवोट कर, राइट। क्योंकि जब आप खुद के लिए कुछ चीज़ें करते हो ना, बराबर, जो हॉबी आपको, जो आपका पैशन है, आप उसको फॉलो करते हो ना, तो आपको वो पढ़ने के लिए बहुत में मोटिवेशन देगा, आपको वो हेल्प करेगा कि हाँ, मैं कुछ मेरी खुद के लिए भी कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई में मेरे को और थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, चाहिए। सो ये सेकेंड पॉइंट ज़रूर करना, खुद के लिए टाइम ज़रूर डिवोट करना। नंबर 3, एक बार फिर आपने ऑलरेडी अपने आप के लिए टाइम दे दिया, दिन भर क्लासेस हो गई, रिलैक्स हो गए हो, अब भाई जो भी क्लास में बचा कुचा होमवर्क दिया होगा, बराबर, कोई भी सब्जेक्ट का, उसको आप सॉल्व कीजिए, उसको ट्राई कीजिए करने का। देखो होमवर्क जब मिलता है ना, कोई भी टीचर ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपका वो आंसर 100% सही आए। आप लोग क्या करते हो, आप लोग डरते हो ये सोच के कि यार मेरा अगर आंसर करेक्ट नहीं आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, उससे अच्छा छोड़ना सर, जब क्लास में डिस्कस करेंगे, मैम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो हम लोग उस समय पर कर लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा भाई, आपको जितना आता है उतना आप ट्राई कीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, गलत तो गलत, सही तो सही, आपको समझ में तो आएगा। और जब ये होमवर्क करते हो तो ये एक तरीके का सेल्फ स्टडी होता है, जिससे मैं आपका पॉइंट नंबर 4 पे आता हूँ, कि आप जब बोलते हो कि सर मेरी सेल्फ स्टडी हो ही नहीं रही है, सिर्फ क्लासेस कर रहा हूँ मैं, बेटा ये होमवर्क जो हम लोग करते हैं ना, ये होमवर्क इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी, ठीक है, इसीलिए तो होमवर्क दिया जाता है ना। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि होमवर्क करना है सही आए या गलत आए, उसकी चिंता नहीं करना आपने, करेक्ट है एकदम, यस सर। एंड फिर होमवर्क होने के बाद फिर आप लोग क्या कीजिए, कि जो भी टॉपिक आपको क्लासेस के दौरान, जब आज का लेक्चर हो गया, कोई थियोरी टॉपिक है, वो डिफ़िकल्ट लग रहा है कि बहुत यार ये समझ में नहीं आया, थोड़ा एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा, या क्लास में तो समझ में आ गया बट इतना अच्छे से नहीं, तो क्या करो, वो वापस से एक बार उसको रीड करो, और नेक्स्ट डे जब आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट होती है, तो आराम से वो टीचर्स से रिविजन के दौरान वो टीचर्स से वो डाउट्स आपके पूछ लो। तो आप समझ लीजिए, ये बेसिक चीज़ें आप कर लोगे ना, तो आपका पढ़ाई भी अच्छे तरीके से होगा, आपकी हॉबीज़ भी आप फॉलो कर सकते हो, आपका पैशन आप फॉलो कर सकते हो, और आपको पढ़ाई जो है ना, एकदम ऐसा बोरिंग या ऐसा स्ट्रेसफुल ऐसा लगेगा नहीं, आराम से हो जाएगा, सही है ना एकदम। क्योंकि ध्यान में रखना, CA के कोर्स में जब आप आए हो ना, तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखना, CA डिफ़िकल्ट नहीं है इतना, बराबर के नहीं। वो डिफ़िकल्ट क्यों बन जाता है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है और अपने पास उसको कम्प्लीट करने के लिए टाइम बहुत कम है। तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए, प्रॉपरली टाइम मैनेज करके अपन ने अपना पूरा जो जर्नी है एकदम आराम से उसको तय करना है, क्लियर है एकदम, यस सर।
उम्मीद कर रहा हूँ कि इस गाइडेंस से आपको हेल्प हुई होगी, राइट? ऑल द बेस्ट।